अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, नमस्ते। मैं हूँ रावल रियाज और आप देख रहे हैं क्विक स्टार्टअप्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए मल्टीपल क्विज ऐप लाऊंगा, वो भी ऑफलाइन, तो फाइनली वो मैंने बना लिए और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मैं उसको, प्रोजेक्ट को भी और AI फाइल भी आपको मैं दे दूँगा। चलिए थोड़ा सा आपको डेमो दे दूँ मैं उसका कि फाइल कैसे काम करेगी। ये बेसिकली मैंने मैथ क्विज बनाई है, आप कोई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि चार कैटेगरीज मैंने फ़िलहाल ऐड की हुई हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। जो आप देख रहे होंगे आइकन वगैरह, इसकी मैंने एक वीडियो डाल दी है पहले से ही फ़ॉन्ट ऑप्शन के लिए से, तो उसका जो है मैं ऊपर कार्ड में भी दे रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। अगर किसी को मसला हो रहा है आइकन चेंज करने में तो वो वीडियो देख सकता है, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी ये देखें, एडिशन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर एडिशन के सारे मेरे पास आ जाएंगे क्वेश्चन और उसके आंसर। जिसमें थोड़ा सा मैंने लेआउट चेंज किया है, ये जो बटन्स हैं आप देख रहे हैं बटन्स, इसको मैंने जो है इसका साइज़ चेंज कर दिया, इसको थोड़ा सा मैंने मैथ वाली जनरल लुक दे दी है। अगर आपने कुछ और करना है जनरल नॉलेज के लिहाज से या मतलब कुछ किसी भी कैटेगरी के लिहाज से, तो आप इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले वाली जो सिंगल कैटेगरी से बनाई थी ऐप, उसमें जो मैंने रखा था उसकी जो विड्थ थी मैंने फिल पैरेंट कर दी थी और हाइट भी फिल पैरेंट कर दी थी, ताकि वो पूरा क्वेश्चन और आंसर उसमें आ सके। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो भी दे सकता है मेरे चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें और इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि जितने लोगों की हेल्प हो सके वो कर सकें। अच्छा, अभी देखें कि यहाँ पे मेरे पास उसी तरह सेम है और ये क्वेश्चन आ रहे हैं वन बाई वन। इसमें मैंने फिलहाल 10 क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, तो आप जितने चाहें आप ऐड कर सकते हैं। ये सिर्फ एक डेमो है छोटा सा। अगर मैं यहाँ से बैक जाऊँ तो यहाँ पे ये देखें सब्ट्रैक्शन है, इसमें सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास। मल्टीप्लिकेशन है, इसमें मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन हैं। डिवीजन में डिवीजन के हैं। अच्छा, जल्दी में मैंने आइकन थोड़ा इसका मैंने सही नहीं मुझे लग सका, क्योंकि जल्दी थोड़ी सी बनाने के लिए आप लोगों के लिए, तो मैंने कहा पहले आपको ये दे दूँ, तो आप ये चेंज कर सकते हैं। होपफुली आपको ये थोड़ा सा इसका आइडिया हो गया होगा। तो चल के जो है ना स्टार्ट करते हैं इसको, जी तो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। अच्छा, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी चीज़ में कहीं भी मसला आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, तो मैं होपफुली जो है आपका मसला सॉल्व कर दूंगा। अच्छा, अब जैसे हम देख रहे थे कि APK फाइल में जो मैंने आपको स्क्रीन पे मोबाइल पे दिखाया, तो ये स्क्रीन वन है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ली हुई है, स्क्रीन को मैंने जो है यहाँ पर सेंटर में किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, आप जैसे इसको करना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास देखें हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, उसमें मैंने दो बटन्स लिए हुए हैं और इनकी हाइट और विड्थ जो है फिल पैरेंट मैंने की हुई है, ठीक है। फिर एक स्पेस दी हुई है यहाँ पे मैंने, इसके अलावा फिर ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के दो बटन दिए हैं और ये भी सेम हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। और मैंने एडिशन की जो स्क्रीन मैंने बनाई है ये वही है मेरे पास फाइल पहले वाली, उसको मैंने मॉडिफाई किया है। इसमें मेरे पास स्क्रीन टू थी, उस पर जो क्वेश्चन थे वो मैंने डिलीट कर दिए। तो यहाँ से अगर बटन वन पे जब क्लिक होगा, बटन सॉरी बटन टू पे, ये है जी फोर्ट आसम का। अगर आप किसी ने वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकता है, मेरे चैनल में है इससे पहले वाली वीडियो कि मैंने कैसे यूज़ किया और कहाँ से लिया। बटन टू पे क्लिक हो रहा है तो वो स्क्रीन फोर पे जा रहा है, स्क्रीन फोर हमारी जो है एडिशन वाली स्क्रीन है, उसी पर जो है सारे प्रोग्रामिंग हुई एडिशन की। अच्छा, ये भी आप देख लें बिल्कुल सेम है ऊपर वाला, और इसका लेआउट जो है बिल्कुल एज इट इज़, कुछ चेंज नहीं किया हुआ मैंने। जिन लोगों ने नहीं देखी दोबारा कह रहा हूँ, वीडियो पहले वाली मेरी देख लें। से मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया, एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लिए और ये मैंने बटन्स ले लिए ताकि इसको थोड़ी मैथ वाली लुक मैंने दे दी, और इसकी हाइट और विड्थ आप देख सकते हैं 40x20x40 है। सेम इसी तरह इसकी भी 20x40 है, और जेंडर अरेंजमेंट जो है मैंने इसकी हाइट 21% रखी हुई है। तो आपको जैसे लेआउट सही लगे आप कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, कुछ लोगों के मैंने पढ़े हैं कमेंट्स भी, ऐड शो नहीं होते, वो ये है कि अब ऐड इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं करते। इसे एक स्क्रीन पे एक ही बैनर ऐड लगाएं, इस लिहाज से मैं वीडियो बना दूँगा बहुत जल्द कि एड्स में क्यों मसला आ रहा है आपके। अच्छा, ये हो गया एडिशन का मेरे पास, सेम इसी तरह ये मेरे पास डिवीजन वाली है, इसमें सॉरी मैं पहले ब्लॉक्स दिखा दूँ इसके कैसे काम कर रहे हैं।
ब्लॉग में मैंने किया किया हुआ है। अच्छा, ये सेम एज इट इज़ वही फाइल है, मैंने कुछ भी नहीं किया होगा, उसी फाइल्स को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है। ये देखें यहाँ पे, ये वही इस तरह क्वेश्चंस का है, फिर उसका पार्ट वन पार्ट टू, मतलब ऑप्शन वन ऑप्शन टू, जो हमने फोर आंसर दिए हुए हैं ना मल्टीपल, यहाँ पे सी डी और ये नीचे ये आंसर के ये उसमें आंसर आ जाएंगे। प्रोग्रामिंग बिल्कुल सेम है, कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया हुआ, फिर भी जो न्यू यूज़र्स हैं मैं उनको बता देता हूँ कि थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। अच्छा जी, ये हमने लेबल लिया हुआ है जो कि हमारा क्वेश्चन वाला है, ग्लोबल क्वेश्चन ऊपर लिस्ट है ग्लोबल वाली, वहाँ से लिया है, और इंडेक्स हमारा ये है वन है, वन चल रहा है। ये आंसर वाला है हमारे पास लेबल, ये मैंने हाइड किया हुआ है, ठीक है। और बाकी ये बटन से, ये बटन है तो वो बटन टू पे आ रहा है, उसका बी बटन का बी जो है वो थ्री पे आ रहा है, सी जो है फोर पे, और डी जो है फाइव पे आ रहा है। और एंड पे जो हमारा क्वेश्चन लेबल यानी कि क्वेश्चन नंबर शो कर रहा है, उसका ग्लोबल इंडेक्स ले रहा है, जो भी इंडेक्स यहाँ पे चल रहा होगा। अब देखें, मेरे पास यहाँ 10 क्वेश्चन थे तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 10 लिखा हुआ, 10 लिखा हुआ है। आपके पास ज़्यादा है तो आप यहाँ पे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब जब ये ग्लोबल इंडेक्स इसके इक्वल होगा तो एक मजीद क्वेश्चन नहीं लेगा और इसको जो है नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाएगा, जहाँ पे आपको ये शो करेगा कि आपके कितने हैं मार्क्स आपने लिए हैं। इसी तरह फिर नीचे वो सेम प्रोग्रामिंग है, ठीक है, यहाँ पे फिर ये इसको प्लस प्लस करता। अच्छा, ये मैंने आपको लास्ट उसमें नहीं बताया, तो ये आप इसको देख लें कि जैसे आप देख रहे हैं, जब बटन प्रेस हो रहा तो ये उसको फॉल्स कर रहा था, इनेबल को बटन दोबारा से, मतलब कुछ क्लिक नहीं कर सकते थे उस पर। तो ये मैंने इसलिए किया हुआ था कि ये जब दोबारा से जब ये क्लिक होने का क्वेश्चन आया तो उसको बटन उसको दोबारा से ये देखें इनेबल कर दें उनको, ठीक है, इनेबल कर रहा है सारी बटन को दोबारा से। और यहाँ पे इसका जो कलर भी चेंज कर रहा है, उसका बैकग्राउंड का भी और टेक्स्ट का, क्योंकि यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं बटन पर तो वो सही होगा तो उसको ग्रीन कर देगा, ठीक है, और अगर अगर सही नहीं होगा तो उसको ये रेड कर देगा। तो ज़ाहरी बात, जब फिर बटन दोबारा से आप ये क्लिक करेंगे नए क्वेश्चन पे तो ये चेंज होगा यहाँ पे सारा, तो ये उसके लिए मैंने लगाया हुआ है। सॉरी, उस ब्लॉग को मैं लगा दूँ, बेकार थोड़ा सा स्लो काम करता है, इसलिए ज़रा सा इस पर मसला आता है, वरना आपको मैं जो है ना लाइव सारा इसको छोड़ें, इसके बाद में कर लेंगे। अच्छा, नीचे अगर हम चलें तो नीचे सारा कुछ वही है सेम, बटन फाइव बटन फोर, ठीक है। और इसी स्क्रीन को मैंने यहाँ से कॉपी किया हुआ है, आपके पास अगर ज़्यादा कैटेगरीज है ना, आपने चार से ज़्यादा बनानी है तो आप इसी स्क्रीन को कॉपी कर लें सेम एज इट इज़, और उसमें जो है यहाँ से होगा कॉपी स्क्रीन। ये देखें, इसको मैं कॉपी करूँ तो स्क्रीन एट पर चला जाएगा, और मैं इसमें जो है सिर्फ ये करूँगा कि मैं सिर्फ इसके क्वेश्चन और उनके ऑप्शन और आंसर जो है लिस्ट में चेंज कर दूँगा ग्लोबल में। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये उसको इनिशियलाइज होने में, वेट करते हैं इसके लिए हम। ये तो स्क्रीन एट पे आ चुका है फाइनली अभी यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह सेम आपने जो है ना यहाँ से इसके चेंज कर देने, नीचे से ब्लॉक्स में जो है ना क्वेश्चन इसके होंगे वो आपने चेंज कर दें, बाकी ये सेम रहेगा। कोटलर काफ़ी स्लो काम कर रहा है जिसकी वजह से वीडियो लेंथी हो रही है। ये देखें, आपने सिर्फ जो है ना यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर चेंज करना है, और इसके जो जो आंसर होंगे आप जो भी रखने चाहे रख सकते हैं, और एंड पे आंसर आप दे देंगे यहाँ पे। तो सिंपल यही है इसमें, और कुछ भी नहीं। अगर किसी को कोई मसला आ रहा है तो मुझसे कनेक्ट कर सकता है, वो कमेंट कर सकता है, और किसी ने ऐप बनवानी है तो वो भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। और इसका मैं AIA फाइल लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप जो है इसमें अपने जहाँ भी यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकें इसको। फिर आपको वीडियो पसंद आई होगी, पेज को सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अल्लाह हाफिज़।